हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुंबई स्ट्रीट स्टाइल। ये वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रीन पीस एंड उतने ही वाइट पीस लिए है वटाना। वैसे मुंबई में बस वाइट वाला वटाना पीस ही यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे घर में ये ग्रीन वाला पीस कोई खाता नहीं है, सो मैंने इसमें मिक्स कर दिए है। एंड इसे मैं रात भर ऐसे भिगो के रख दूँगी, सोक करके रख दूँगी। दूसरे दिन इसकी साइज़ कुछ डबल हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी हो गई है इसकी। इसे अब हम करेंगे बॉईल। सबसे पहले मैं इसे इंस्टेंट पॉट में बॉईल कर लूँगी। मैं निकाल ले रही हूँ सबसे पहले इसे, और इसे वन मोर टाइम मैं वॉश करके ले रही हूँ। और फिर इसमें हम डालेंगे एक चम्मच, बड़ा वाला एक चम्मच पिंक सॉल्ट एंड हल्दी। आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें नमक, या फिर बाद में भी डाल सकते हो अभी स्किप करके। इसमें मैं डबल साइज़ में पानी डाल रही हूँ और इसे कर लेंगे बॉईल। बॉईल कर लेने के बाद हमें थोड़ा सा इसे मैश कर लेना है। मैं ये हैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ और इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे। हैंड मिक्सर से थोड़ा सा मैश कर लेने बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। और मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाल दिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बॉईल कर ले रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। रगड़ा हमारा रेडी हो चुका है और अब करते हैं पैटीज की तैयारी। ये है पैटीज। ये पैटीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए 4 बड़े साइज़ के बॉयल पटैटो। इसे अच्छे से बॉयल कर लिया है और अब इसे पटैटो मैशर से मैश करके लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। आप इसे प्लेन पैटीज भी बना सकते हो, लेकिन मैं मसाले ऑलरेडी ऐड कर रही हूँ ताकि बाद में कोई मसाले डालने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला चंकी चाट मसाला 1 चम्मच, पिंक सॉल्ट, अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालें कोई भी, मैं पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ। और फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, फिर इसमें थोड़ा सा डाले जीरा एंड थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा थोड़ा डाला है मैंने। अब इसे आटा जैसे गूंथते हैं उस तरह से थोड़ा बहुत मैश कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं आलू में। अब इसकी हम राउंड राउंड शेप में पैटी बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह की शेप में आप कोई भी शेप में शेप इसे दे सकते हो। पैटीज बनके रेडी है। अब इसे कर लेंगे शैलो फ्राई। शैलो फ्राई करने के लिए मैं सादा वाला जो रोटी का तवा है वही यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और पैटीज को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। फिर इसे 5-5 मिनट के लिए दोनों साइड पे हम स्लो आंच पे कुक कर लेंगे। जब तक पैटीज रेडी हो रही है हम कर लेते हैं चटनीज की तैयारी। चटनी के लिए मैंने यहाँ पे मीठी वाली चटनी के लिए गुड़ एंड यहाँ पे खजूर है एंड इमली है। इन तीनों चीज़ों को हमें भिगो के रखना है 1/2 आवर के लिए, 1 आवर के लिए, और बाद में पीस के लेना है। बस मीठी चटनी रेडी हो जाएगी। उसमें थोड़ा सा नमक एंड थोड़ी सी रेड चिली डालें। मैंने ऑलरेडी बना के रेडी कर ली है, मैं मीठी चटनी आज नहीं बना रही हूँ। स्पाइसी चटनी, तीखी वाली चटनी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। स्पाइसी चटनी के लिए, पानीपुरी की चटनी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है धनिया हैंडफुल, ज़ीरा एंड कड़ी पत्ता बहुत सारा, फिर थोड़ा सा पुदीना के पत्ते, मिर्चे ली है 4,
और पानी पूरी का जो मसाले का पाउच आता है वो हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो ये वाली है मिट्टी चटनी जो ऑलरेडी रेडी है मेरे पास, ये मैंने निकाल के लिए, देख सकते हो आप इसका कलर कितना अच्छा आया है, बस ये तीनों चीज़ों के साथ मैंने बनाई है और बहुत अच्छी बनी है। सो आप ज़रूर ट्राई करें, ये मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर कर दूंगी। अभी बनाते हैं स्पाइसी चटनी। इस तरह की आपको जाली चाहिए जो आप पानी पूरी वाले के पास या थैला वाले के पास देखते हो, जिसे उसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहती। वैसे ही मैंने मीठी चटनी भी जब ये भिगोने के बाद हम पीस लेते हैं तो उसे ग्राइंड इस छलनी से छान के लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। मैंने मीठी वाली भी ऐसे ही बनाई है और तीखी वाली भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो इन चीज़ों को बस ये पानी पूरी का जो पाउच है इसे मैं निकाल लेती हूँ और ये वाली जो सारी चीज़ें हैं इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। पेस्ट विथ बन के तैयार है। अब ये बहुत कम क्वांटिटी में है इसलिए मैं छोटी वाली छलनी यूज़ कर रही हूँ। तो इसे में मैंने डाल दिया है थोड़ा पानी डाल के, इसे मैं अच्छे से निकाल ले रही हूँ। अब ये जो थोड़ा सा मिक्सचर छलनी में बाकी है इसमें थोड़ा थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और इसे पूरा निकाल लेंगे। तो बहुत स्पाइसी बनी है जो चिलीज़ है, ये वाली तीखी वाली चिली थी इसलिए मैंने चार ही चिलीज ली है, मिर्ची ली है। और अब ये बन के रेडी है। सो इसमें डालेंगे नमक आधा चम्मच एंड पानी पूरी का मसाला। और पानी पूरी का पानी बन के, स्पाइसी पानी बन के रेडी है। इसे आप रगड़ा पैटीज के ऊपर भी खा सकते हो या फिर हम पानी पूरी के साथ भी खा सकते एंड एंड में इसमें कुछ नमकीन बूंदीज भी डाल देंगे। सो अब ये बिल्कुल बन के रेडी है। अब बनाते हैं रगड़ा पैटीज को। तो एक बाउल में मैं दो पैटीज ले रही हूँ, ये किड्स वाला बाउल है। सो क्योंकि येलो पैटी देख रही हूँ, ये वाली पैटीज मैंने बनाई थी बस बच्चों के लिए, जिसमें बस नमक एंड हल्दी ऐड कर ली थी। सो पैटीज एक ली के मैंने इसमें डाल रही हूँ रगड़ा, और मीठी वाली बस चटनी डाल के बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, जो भी चीज़ें उन्हें पसंद है। जैसे प्याज उन बच्चों को पसंद नहीं आता तो मैंने इसमें बस टमेटोज डाला है और फिर मीठी चटनी डाली है और बहुत सारी सेव डालेंगे जो बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है। और बस ये रेडी हो जाएगा। अब बनाते हैं सेकंड वाला बाउल जो है हमारा। सो इसमें ली है मैंने दो पैटी और फिर इसके ऊपर डालेंगे बहुत सारा रगड़ा। और पैटीज को मैं पहले थोड़ा स्पून से ऐसे ओपन करके ले रही हूँ। फिर रगड़ा डालने के बाद इसके ऊपर डालेंगे बारीक, बहुत बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटोज, फिर डालेंगे मीठी चटनी और ये तीखी चटनी, फिर डालेंगे बहुत फाइन नायलॉन सेव। और रगड़ा पैटीज बनके रेडी है, बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।